वैसे तो केन हेवर्ड मैसाचुसेट्स की एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंटिस्ट है, पर अपने खाली वक्त में ब्रेन प्रिजर्वेशन फाउंडेशन चलाते हैं, जो हमारी मौत के बाद हमारे माइंड्स को रिजरेक्ट करने के तरीके ढूंढ रही है। मैं भविष्य को देखना चाहता हूं और मौत मुझे रोक रही है, पर अगर हम अपने दिमाग को प्रिजर्व और मैप कर सकें तो वहां पहुंच सकते हैं। हमारे दिमाग की वायरिंग ट्रेन के इस ट्रैक की तरह है। इन दोनों के बीच का फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे दिमाग की तारें इस टॉय ट्रैक से सैकड़ों करोड़ गुना लंबी हैं, और अगर हम अपने दिमाग के स्विचिंग पॉइंट्स को गिनें तो वो सैकड़ों लाख करोड़ होंगे। इंसानी दिमाग की तारों और स्विचों के सेट को हम कनेक्टम कहते हैं। कनेक्टम हमारी कुल मेमोरी का आधार भी है और हमारे थॉट्स और कॉन्शियसनेस को जनरेट भी करता है। अगर हम लाखों करोड़ों कनेक्शंस के इस सेट को कॉपी कर सकें तो शरीर के मरने के बाद भी हम उसे रिक्रिएट कर पाएंगे। केन के मुताबिक कनेक्टम में मौजूद पूरी जानकारी को रेस्क्यू करने के लिए जरूरी है कि हम दिमाग को एक कंप्यूटर मानकर चलें। ये एक डेड कंप्यूटर है और बहुत पुराना भी। इसका मदरबोर्ड जल चुका है और मैं इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे इस बात का बहुत दुख है क्योंकि मेरी शादी के सब फोटोग्राफ्स और मेरी पीएचडी के सभी थीसिस इसी कंप्यूटर में स्टोर हैं, जिसे मैं कबाड़ में फेंकने वाला हूं। तो क्या मैं सारा डेटा हमेशा के लिए खो दूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही वो सारा डेटा डिजिटली इस हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लिया है, और मैं उस डेटा को एक दूसरी हार्ड ड्राइव पर कॉपी कर सकता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यूरोसाइंस के मुताबिक हम बुनियादी तौर पर वो डिजिटल इंफॉर्मेशन है जो हमारे दिमाग के सिनेप्टिक कनेक्शंस में स्टोर की गई हैं। अगर हम अपने मरने के बाद उस दिमाग को प्रिजर्व कर लें तो हमें यूनिक बनाने वाली वो सारी इंफॉर्मेशन, हमारी वो सारी यादें नष्ट नहीं होंगी, बल्कि उन्हें ठीक उसी तरह वापस लाया जा सकता है जिस तरह हम पुरानी हार्ड ड्राइव पर स्टोर की गई डिजिटल इंफॉर्मेशन को नए कंप्यूटर में डालकर वापस लाते हैं। सॉफ्टवेयर को फिजिकली हार्ड ड्राइव पर लिखा जाता है। उस ड्राइव की एग्जैक्ट कॉपी बनाने पर उसमें मौजूद जानकारी की एग्जैक्ट कॉपी मिल जाती है। केन मानते हैं कि दिमाग की पूरी जानकारी को भी कॉपी करके स्टोर कर सकते हैं। अपने कनेक्टम के लाखों करोड़ न्यूरल कनेक्शंस को प्रिजर्व करने के लिए आपको सिर्फ अपने दिमाग के हार्डवेयर को कॉपी करना होगा, पर एक एक स्लाइस करके। केन की ब्रेन स्कैनिंग असेंबली लाइन इस तरह काम करेगी कि किसी व्यक्ति की मौत के वक्त वो उसके दिमाग को निकालकर प्लास्टिक में प्रिजर्व कर लेंगे। फिर उस दिमाग को एक गर्म डायमंड नाइफ द्वारा माइक्रोन क्यूब्स में स्लाइस कर लेंगे, जो एक इंसानी बाल से 40,000 गुना पतले होंगे। फिर इन बहुत ही बारीक स्लाइसेस को 1,000 गुना और पतला करके आयन बीम्स द्वारा स्कैन किया जाएगा। इस प्रोसेस को करोड़ों बार दोहराया जाएगा जब तक कि पूरा दिमाग डिजिटाइज ना हो जाए। ये टेक्नोलॉजी आज भी मौजूद है। हम पहले से ही न्यूरल टिश्यू के छोटे छोटे टुकड़ों को इसी अल्टीमेट रेजोल्यूशन पर मैप करते हैं। ये रेजोल्यूशन इतना हाई होता है कि हम न सिर्फ न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस देख सकते हैं, बल्कि उनकी स्ट्रेंथ और टाइप को भी डिटरमिन कर सकते हैं। एक बार हम इंसानी दिमाग को मैप करने के काबिल हो जाएं और हमें ये भी पता चल जाए कि वो हमारे दिमाग को कैसे जनरेट करता है, तो हम उस दिमाग को एक कंप्यूटर सबस्ट्रेट में सिमुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर हम उस दिमाग के मालिक उस व्यक्ति को कंप्यूटर सिमुलेशन के भीतर फिर से जिंदा कर सकते हैं। आज इंसानी माइंड को मैप करने के लिए अपोलो साइज के एक बहुत ही महंगे प्रोजेक्ट की जरूरत होगी, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती होगी हालात बदलते रहेंगे। आज जहां एक पूरे इंसानी दिमाग को मैप करने के लिए हजारों करोड़ डॉलर्स चाहिए, वहीं 100 साल बाद ये काम कुछ हजार डॉलर्स में हो जाएगा। जो भी आज से सिर्फ 100 साल बाद की उस टेक्नोलॉजी का इंतजार करना चाहता है वो अपने दिमाग को प्रिजर्व करवा के रख सकता है। उस भविष्य की कल्पना कीजिए
जिसमें हर हॉस्पिटल आपके मरते ही आपके दिमाग को प्रिजर्व करने के लिए पूरी तरह इक्विप्ड होगा, जहां हजारों दिमागों को स्लाइस और स्कैन करके मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करने की तैयारी चल रही होगी। इस इंसानी दिमाग को अगले करीब 100 साल तक प्रिजर्व किया जाएगा, फिर यहां से निकालकर स्लाइस और इमेज करेंगे और फिर एक कंप्यूटर सिमुलेशन में डाउनलोड करके उस व्यक्ति को जिंदा कर देंगे और उसे लगेगा जैसे वो एक लंबी नींद से जागा हो।